बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस सेमिनार के द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। सुबह से एक पुनीत चर्चा चल रही है और मुझे लग रहा है कि उस चर्चा से हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आएगा। भारतीय सभ्यता में बौद्ध धर्म एक क्रांति का धर्म है और इस भारत में हजारों संत ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, लेकिन गौतम बुद्ध उन संतों में नहीं है, वे मील के पत्थर हैं। और मील का पत्थर होने का अर्थ होता है कि मनुष्य जाति उसके बाद वही नहीं रह जाती है जो पहले होती है। एक नई जीवन दृष्टि मिलती है, एक नई दिशा मिलती है, एक नया विचार मिलता है। इसलिए बौद्ध धर्म एक क्रांति है, केवल एक धर्म नहीं है, क्योंकि बुद्ध को, भगवान बुद्ध को तीन दृष्टियों से समझा जा सकता है। पहला है कि गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं है, दृष्टा है। दूसरा यह है कि गौतम बुद्ध पारंपरिक नहीं है, मौलिक है। और तीसरा यह है कि बुद्ध, भगवान बुद्ध शास्त्रीय नहीं है, वह वैज्ञानिक है। इसलिए यह धर्म जो है एक क्रांति के रूप में देखा गया और यह मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस धर्म के आने के बाद मनुष्य जाति वही नहीं रह गई जो इससे परंपराओं से थी। एक क्रांति हुआ, एक नया उद्भव हुआ, मनुष्य जाति के विकास में एक नया आगमन हुआ। इस परंपरा को, इसी पर हम ज्ञान परंपरा, मीमांसा की परंपरा को आज सुबह से उसको चर्चा में कर रहे हैं। इस द्वितीय सत्र में उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं जिन मीमांसकों को, मनुष्यों को, विद्वानों को आमंत्रित करता हूँ, उसमें आज की जो अध्यक्षता के लिए हैं, आदरणीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर हरिकेश सिंह सर को मैं नम्रता से, बहुत ही हृदय से निवेदित करता हूँ कि कृपया सर मंच पे आएं। दूसरे प्रोफेसर प्रमेय प्रकाश सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया सर आप मंच पे आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। तीसरे वक्ता के रूप में प्रोफेसर लाल जी सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सर मंच पे आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। और श्री रवि शंकर शुक्ल सर से मैं निवेदन कर, अच्छा सर सर क्षमा प्रार्थी, निवेदन करता हूँ कि सर कृपया मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। ये सत्र वाकई में, जहाँ प्रोफेसर हरिकेश सिंह सर हों, मैं मानता हूँ कि सत्र अप्रतिम बन जाता है। पूरे देश में ज्ञान परंपरा में, मीमांसा परंपरा में इस प्रकार का शिक्षा के क्षेत्र में मीमांसक मिलना गिने चुने लोगों में से एक हैं। तो सर का होना ये इस बात का गवाह है कि सत्र विशेष होने जा रहा है। जैसे हमारी संस्था की परंपरा होती है कि हम अपने विद्वान वक्ताओं का खतक और स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करते हैं, तो उस परंपरा को निभाते हुए मैं आज की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर गुरुजी हरिकेश सिंह का खतक और स्मृति चिन्ह से, अच्छा सर, दूसरे जो आज के हमारे वक्ता की कड़ी में हैं, प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश सर के खतक और स्मृति चिन्ह से सम्मान देने के लिए मैं अनुराग त्रिपाठी सर को निवेदन करता हूँ कि कृपया आए सर और आप स्मृति और खतक देकर के सम्मानित करें प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश सर को। आप जोरदार तालियों से एक बार सम्मानित करें, क्योंकि हमारी परंपरा है सम्मान करने का। ऊपर से ही हो जाएगा सर, एक जोरदार तालियों से सर का आप स्वागत करें। इस कड़ी में प्रोफेसर लाल जी सर का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर सुचिता शर्मा मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आएं आप। अगली कड़ी में मैं श्री रविशंकर सर का अभिनंदन, स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर हिमांशु सर से को निवेदन करता हूँ कि कृपया आएं और सर का सम्मानित करके, हाँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। स्मृति चिन्ह और खतक देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज के सत्र में हम अपनी व्याख्यान माला को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले कविता की चार पंक्तियों से मैं आज जो सुबह से जो मैं सुन रहा हूँ, वो मेरा कवि हृदय है, एक भाव निकल जाता है तो मैं शब्दबद्ध कर देता हूँ। तो मैंने कुछ शब्दों को शब्दबद्ध किया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि चलेगी बात करुणा की, दया की और मनुजता की,
चलेगी बात करुणा की, दया की और मनुजता की, उठेंगे प्रश्न शस्त्रों पर कलुषित मानसिकता की, उठेंगे प्रश्न शस्त्रों पर कलुषित मानसिकता की। ये चिंता है सभी की, सृष्टि में फिर शांति आ जाए। और अगला जो पद आपको के हृदय को छुए तो तालियों से समर्थन जरूर करिएगा कि ये चिंता है सभी की, सृष्टि में फिर शांति आ जाए। हमेशा बुद्ध के ही सूत्र हमारे काम ही आए, हमेशा बुद्ध के ही सूत्र हमारे काम ही आए। अगली पंक्तियां हैं, मैत्री मंत्र जीवन का परम पावन ने बतलाया। पूरी दुनिया में हिंसा और मैत्री का जो संदेश जो पूरी फैलाने का जो आधुनिक युग में परम पावन जी ने किया है, तो उसको पंक्तियों में मैं कर रहा हूं कि मैत्री मंत्र जीवन का परम पावन ने बतलाया, विचारों से बदल सकती है दुनिया बात समझाया, भटकती पीढ़ियों को राह पर कैसे जो हम लाए, भटकती पीढ़ियों को राह पर कैसे जो हम लाए, हमेशा बुद्ध के ही सूत्र हमारे काम ही आए, हमेशा बुद्ध के ही सूत्र हमारे काम ही आए। इसी के साथ जो आज के इस व्याख्यानमाला के प्रथम वक्ता है श्री रविशंकर सर को मैं आमंत्रित करूंगा। आप सर, आपका परिचय थोड़ा सा मैं देना चाहूंगा कि आप अनुसंधान अधिकारी इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज भारत सरकार के हैं, और सबसे बड़ा सर मैंने देखा कल से सर के साथ मैं हूं, इनके साथ लगा हूं सर, इतनी ऊर्जा से लबरेज हैं कि मैंने कहा सर बहुत सीख रहा हूं आपसे, कहे कि मेरा परिचय बहुत ज्यादा मत दीजिएगा, मैं बोलूंगा उससे मेरा परिचय होगा, व्यक्ति वही होता है जो बोले और उससे उसका परिचय हो जाए। और आप सर गगनांचल नामक प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन करते हैं, मैं सर बड़े अभिनंदन के साथ, बड़े भाव के साथ, हृदय की गहराइयों से आपको आमंत्रित करता हूं कि सर आए और अपने व्याख्यान द्वारा हमें संचित करें, अभिसंचित करें सर। परम सम्मानित मंच एवं यहां उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतावर्ग, मैं संबोधन की औपचारिकताओं में नहीं जा रहा हूं और समय बहुत है, हो चुका है, हम लोग विलंब से चल रहे हैं। सूत्र रूप में विषय रखूंगा, उसको अब विस्तार नहीं करूंगा, तो उसके विस्तार के लिए हम लोग स्वयं प्रयास करें, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी। आज का जो विषय है, भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द, वास्तव में यह एक उपविषय है, मूल विषय है जो उसके नीचे लिखा है, डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। डाइवर्सिटी यानी विविधता, इंक्लूजन मतलब सोशल इंक्लूजन, समाज में सबका समावेशन, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, परस्पर सद्भाव, या फिर यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया है सौहार्द। प्रश्न उठता है कि विविधता की चर्चा हम क्यों करते हैं, क्या आवश्यक है विविधता की चर्चा करना। यदि हम एक छोटा सा उदाहरण लें मनुष्य के शरीर का, यह वैविध्यपूर्ण है, जो इस हथेली का रंग है वो इसकी पीठ का रंग नहीं है, जैसी ये उंगलियां बनी हैं वैसी मेरी आंखें नहीं बनी हैं, जैसे मेरे सर के बाल हैं वैसे मेरे दाढ़ी के बाल नहीं हैं, लेकिन हम नहीं कहते मेरा शरीर विविधतापूर्ण है, कोई नहीं कहता, फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारा समाज विविधतापूर्ण है। क्या हमारे पूरे परंपरा में विश्व को कभी किसी ने कहा विविधतापूर्ण है, भारत को कभी कहा विविधतापूर्ण है? आप कहेंगे नहीं मिलेगा, ये हमने तो उल्टा, हमने एकत्व देखने की चेष्टा की। हमारे यहां कहा गया यस्मित सर्वाणि भूतान न्यात्मन्येव अनुपश्यति, जो सभी में, सभी भूतों में, भूत की बात की है, और भूत के बारे में हम जानते हैं पंचमहाभूत हैं, केवल प्राणी मात्र नहीं कहा,
हमने पंच महाभूतों में एकत्व देखने की बात की, हमने कहा वो तो अलग अलग हैं ही, होते ही हैं, इनमें एकत्व देखने की बात आई। तो ये विविधता देखने की दृष्टि आई कहां से? और इससे जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे विविधता देखने के नाम पर विभिन्नताएं चिन्हित की जाती हैं, क्या भिन्नताएं हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि जो भिन्नताएं हैं, जो भिन्न है, वो मार्जिनलाइज्ड हैं, वो एक्सक्लूडेड है, फिर एक्सक्लूशन शुरू होता है। तो दो कृत्रिम समस्याओं का निर्माण करके उसको दूर करने की कोशिश शुरू होती है, एक्सक्लूजन। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा, ट्राइबल बेल्ट, हमारे देश में बहुत ट्राइब्स हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं ट्राइब सबसे मैं बहुत सहमत नहीं होता हूं, जो राजा हैं उनको ट्राइब क्यों कह रहे हैं आप? गोंड साम्राज्य है, मुंडाओं का राज्य है, उराओं का राज्य है, भीलों का राज्य है, हम उनको कह रहे हैं ट्राइब्स हैं, और ट्राइब्स हैं मतलब पिछड़े हैं, और वो एक्सक्लूडेड हैं। तीसरा, वो एक्सक्लूडेड हैं, कभी एक्सक्लूडेड नहीं रही कोई ट्राइब भारत की, हमेशा उनके रक्त संबंध बने रहे हैं। तो मदरा मुंडा की बहन गोपा मुंडा की शादी होती है युधिष्ठिर दुबे से, और संतान होती है फणी मुकुट राय, जिससे प्रारंभ होता है सहदेव वंश, शासन कर रहे हैं वो। जो रक्त संबंध हैं, वैवाहिक संबंध हैं, एक्सक्लूडेड कौन है? तो ये भिन्नताओं की चर्चा क्यों? फिर उसके बाद कहा जाता है हम सौहार्द बढ़ाएंगे, सामाजिक सौहार्द बढ़ाना है। विभिन्नताओं की चर्चा करके कभी सामाजिक सौहार्द नहीं बढ़ता, यह मेरा दूसरा बिंदु है। यदि मैं और मेरे भाई, मैं बहुत दूर उदाहरण नहीं दूंगा, मैं हूं और मेरा भाई है, नित्य मेरे पिताजी ये बताएं तुम तो इतने कमजोर हो, देखो इतना मजबूत है, वो बताएं तुम तो गोरे हो, देखो वो काला है, वो बताएं वो इतना तेज दौड़ता है, तुम तो दौड़ ही नहीं पाते, ऐसे हम दोनों के बीच के अंतर तो होगा, हम दोनों में कितने भी हम भाई हों हमारे बीच में हजारों अंतर मिलेंगे, कोई नहीं कहता ये अंतर है, वो कहते हैं देखो एक जैसा दिखता है, नहीं दिखते कोई भी एक जैसा, नाक अलग होती है, आंख अलग होती है, अपीयरेंस दिखता होगा, फिर भी हम बात किसकी करते हैं, एक जैसा है। आज विविधताओं की चर्चा है, विभिन्नताओं की चर्चा है, कहीं ना कहीं कुछ कारण है। तो पूरे भारत में जो इसकी चर्चा है, जिसकी बात प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी कर रहे थे, किसी भी चीज को देखने सुनने और पढ़ने का दृष्टि क्या हो, उन्होंने कहा हम अपने स्रोतों से देखें, उस भाषा में चीजों को जानने समझने का प्रयास करें, कॉलोनियल ट्रांसलेशंस में नहीं जाएं। यह जो लैंग्वेज है डाइवर्सिटी की, यह भी कॉलोनियल लैंग्वेज है। नहीं तो देखिए आप, पूरा परंपरागत जो आचार्य हैं हमारे, कोई विविधता की चर्चा कर ही नहीं रहे, सब एकता की बात कर रहे हैं, एकत्व देखो, एकत्व देखो, एकत्व देखो, विविधता तो दिखती ही है। जैसे प्रारंभ में जो मुख्य अतिथि थे प्रथम सत्र के, उन्होंने कितना अच्छा बताया कि अलग अलग बौद्ध भिक्खु आते हैं, कोई किसी रंग का पहनता है, कोई किसी रंग का पहनता है, अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं, कोई उंगली से ऊपर से भोजन करते हैं, कोई पूरा हाथ से करते हैं, भोजन के प्रकार अलग, ये तो दिखता है, लेकिन एकत्व कौन देख रहा है इसमें? तो जो ये विविधता की चर्चा है, यही कहीं ना कहीं असमानता उत्पन्न करने के लिए की जाती है। देश का एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहां एक डिपार्टमेंट है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, स्टडी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन डिपार्टमेंट, मतलब आप भेदभाव का ही अध्ययन करने के लिए बैठे हैं, आपको समानता ढूंढनी ही नहीं है, आपको केवल लड़ाइयां ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि लड़ाइयां लगानी हैं। तो बौद्ध हिंदू लड़ें, सिख हिंदू लड़ें, पहले तो अलग करें कि ये अलग हैं, फिर लड़ें, फिर लड़ाएं जातियों को, फिर लड़ाएं उपजातियों को, फिर लड़ाएं जनजातियों को, फिर जनजातियों को लड़ाएं वहां के जनजातियों से। मैं झारखंड का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है वहां कैसे कैसे लड़ाइयां पैदा हुई हैं। मैं बैठा था, एक उराव छात्रावास था, अब वहां चर्चा हो रही थी, तो मैंने पूछा आपके कस्टम्स के बारे में बताइए, तो वो बताने लगे शादी में क्या रीति रिवाज होते हैं, बाकी सारा कुछ बता रहे थे। वहाँ एक नागपुरी लड़का बैठा था, अब नागपुरी जो लड़का था वो सुनता था, खुशी से उछलता था, अरे ये हम भी करते हैं, अरे ये तो हम भी करते हैं, अरे हमारे यहाँ भी यही परंपरा है। फिर उसने कहा फिर अलग क्यों कहते हो हमको, फिर उड़ाओं में नागपुरिया में भेद क्या है, हम दोनों तो एक ही चीज़ कर रहे हैं।
पूरे भारतवर्ष में ये समानताएं हैं, लेकिन उन समानताओं की न चर्चा होती है ना उसका अध्ययन अध्यापन होता है, डाइवर्सिटी की चर्चा होती है। बड़े गर्व से कहते यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कहना राग अलापना बंद करना चाहिए। यदि वास्तव में हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं, परस्पर सद्भाव चाहते हैं, तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन एक्सक्लूजन इनकी चर्चा बंद करनी होगी, और तब ये जो रिस्पेक्ट है वो पैदा होगा। क्योंकि रिस्पेक्ट उसका होता है जिसको हम अपने बराबर मानते हैं या हमसे अपने से ऊंचा मानते हैं, कभी भी नीचे का रिस्पेक्ट नहीं करता कोई, ये ह्यूमन नेचर है। दूसरी बात जो मैं बिंदु रखना चाहता हूं कि जब ये चर्चा होती है कि इनकी रक्षा करनी है, जैसे डाइवर्सिटी की रक्षा करनी है, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करनी है, यह भी एक बड़ा आजकल मुख्य मुद्दा है, और आपने देखा होगा प्रारंभ ही चर्चा हुई SDG से, बाद के भी वक्ताओं ने उस पर ध्यान दिलाया। जब ये UN कहता है या अमेरिका कहता है या यूरोप कहता है मुझे कुछ बचाना है, मैं चिंतित हो जाता हूँ, पता नहीं किसको मारेंगे, मैं सच में चिंतित होता हूँ। और मैं सुबह चर्चा कर रहा था अमरजीव जी से, साउथ रोडेशिया में जिम्बाब्वे नाम का एक देश है जिसका नाम पहले साउथ रोडेशिया था, आज से 40 साल पहले वहाँ के एक जैव विज्ञानी ने इस अध्ययन किया कि हमको जंगल बचाने हैं, जंगल क्यों नष्ट हो रहे हैं, उन्होंने कहा हाथियों के कारण नष्ट हो रहे हैं। 25 साल में आप विश्वास नहीं करेंगे 40,000 हाथी मार दिए उन्होंने, ऑफिशियल डाटा है। पर्यावरण बचाने के लिए 40,000 हाथी मारे, फिर पता चला हाथियों के कारण तो जंगल बचे हुए थे, वो मर गए, जंगल और तेजी से नष्ट हो रहे हैं, अब क्या करें। उसी जैव विज्ञानी ने फिर अध्ययन किया और फिर कहा नहीं नहीं हाथी के कारण सुरक्षित है, गलती हो गई, आपकी गलती से 40,000 हाथियों की जान वापस नहीं आएगी। फिर गायें छोड़ी गई, आपको पता होना चाहिए भारतवर्ष में आज भी वन विभाग जंगलों में गाय चराने नहीं देता। आप जनजातीय लोगों से पूछे जिनको आप ट्राइबल्स कहते हैं, उनकी गायें जंगल में नहीं चर सकती आज भी इस देश में। वहां उन्होंने जंगल में गायें छोड़ी और जंगल वापस ठीक होने लगे, उन्होंने कहा काउ और फॉरेस्ट प्रोटेक्टर। लेकिन हमारे यहां नहीं है। तो प्रोटेक्शन की जब बात होती है ना, और वेस्ट करता है यानी यूरोप करता है अमेरिका करता है, तो सावधान हो जाना चाहिए, कुछ तो नष्ट करेंगे। तीसरी बात और अंतिम बात करके मैं खत्म करूंगा, समय हो गया है लगभग। ये जो एक परिकल्पना है ना, जिसका एक चित्र दिखाया था प्रारंभ में पहले ही सत्र में, विकासवाद का एक चित्र था कि कैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इस सिद्धांत में ही एक सैद्धांतिक त्रुटि है। अमीबा अविकसित है, हाइड्रा विकसित है, यह सिद्धांततः अशुद्ध है। चिंपैंजी या बंदर अविकसित है, मनुष्य विकसित है, यह भी सिद्धांततः अशुद्ध है। होमो सेपियंस ज्यादा विकसित थे होमो इरेक्टस से या होमो एबिलस से, यह भी सिद्धांततः अशुद्ध है। हमने यह झूठी कड़ियां गढ़ी केवल यह दिखलाने के लिए हम विकसित हैं, और यह गढ़ा कि इन्होंने यह भी देखी है। और इस गढ़न के पीछे जो मूल सिद्धांत काम कर रहा था कि सारे सृष्टि बनाने के बाद गॉड ने एक को बनाया आदम को, और उसको सब सौंप दिया कि इसका उपभोग करो, तो सब इन्फीरियर हो गए, वो ऊपर हो गया। और यह जो सिद्धांत है कि सब चीज हम जन्मना श्रेष्ठ हैं और यह सब कुछ इन्फीरियर है, यह भाव रिस्पेक्ट नहीं आने देता किसी के भी प्रति। और फिर वह जो भाव है वो पेनिट्रेट करता है, वो अंदर प्रवेश करता है निचले स्तर तक, फिर वो ह्यूमन सोसाइटी में आता है, फिर और नीचे जाता है। फिर हम देखेंगे जो ICCS का मूल काम है, मैं बताऊं यूरोप में अमेरिका में वो जो समाज हैं जिनको उन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया, रोमुआ कम्युनिटी लिथुआनिया की, ड्रुइड्स जो पूरे स्लाव क्षेत्र में रहते हैं, पिटास जो रोम में रहते हैं, एथनिक ग्रीक रिलीजियन है ग्रीस में, जो कोलंबिया में हैं, जो अफ्रीका में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे जो एंशियंट बिलीफ सिस्टम के लोग हैं, जो धरती को माता कहते हैं, जो पर्वत को अपना पूज्य उपास्य मानते हैं, जो वृक्षों की पूजा करते हैं, जो अग्नि की पूजा करते हैं, उन सबको नष्ट किया जिन्होंने, हम उनको एक मंच पे लाते हैं, उनसे सुख दर्द दुख दर्द साझा करते हैं, उनका सुख दुख सुनते हैं, उनको कैसे उनका हक मिले इसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ केवल इन तीन बिंदुओं को रखकर कि डाइवर्सिटी की चर्चा करने से, विभिन्नताओं की चर्चा करने से म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं पैदा होगा। हमें कोशिश करनी होगी
एकत्व देखने की, जो बौद्ध का भी काम यही है, बौद्ध दर्शन यही कहता है और यही हमारा सनातन धर्म कहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड इन ए वेरी क्रिस्टलाइज्ड मैनर आई कांग्रेचुलेट रवि फॉर सच ए क्रिस्टलाइज्ड थॉट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल की बात से मुझे वाकई में लग गया कि जो आपने कहा था कि परिचय से व्यक्ति महान नहीं होता, अपनी वाणी से, अपने विचारों से आदमी महान होता है। आपकी वाणी और जिसमें आपने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उनको सुनने के बाद लगा कि सर वाकई में आदमी अपने ज्ञान से मीमांसा परंपरा से विद्वान महान होता है। पूरे संस्थान परिवार की तरफ से सर आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, एक जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। इस क्रम में अगले जो वक्ता हैं आदरणीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर लाल जी सर, मैं आपको सर सादर आमंत्रित करता हूं। आप पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सर के वचनों से आपको जरूर बहुत आगे लाभ मिलेगा जीवन में। सर आदर के साथ। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा। मंच पर आसीन प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश, श्री रविशंकर, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वागचुक दोर्जे नेगी जी, मेरे गुरुदेव तथा प्रेरणा के स्रोत प्रोफेसर कमलशील जी, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी, प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी, प्रोफेसर रामजी सिंह, प्रोफेसर पेमा तेंजिंग जी, इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, विद्यार्थियों और शोधार्थियों, सबसे पहले मैं प्रोफेसर वांगचुक दोर्जे नेगी जी, डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी और प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। मेरे इस विषय है शील परिशुद्धि, व्यक्तिगत परिशोधन से सामाजिक परिशोधन। समय की सीमा मुझे दी गई है 10 मिनट, तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा मुझे तेज़ी से चलना होगा। तो दुख के शमन का उपाय खोजने के लिए भगवान बुद्ध अपना घर बार छोड़े थे, भगवान बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम, और बुद्ध बनकर जब वो वापस आते हैं तो उन्हें मिला क्या था, नवपरेषित ज्ञान जो मिला था प्रतीत्य समुत्पाद का, उस खोज में उन्होंने पाया था कि तृष्णा सभी दुखों की जड़ है, इसी से सब दुख उत्पन्न होते हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर कार्य के पीछे कारण होता है। तो जो दुख है, अगर दुख का कारण हम खत्म कर दें तो दुख का विपरीत जो भी होगा, सुख हो या जो भी हो, वो प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने मार्ग बतलाया जिसको अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध के गृह त्याग के पीछे भी हम देखते हैं कि उनका अपना दुख उतना जिम्मेदार नहीं था जितना कि दूसरों का दुख था। उनको तो तीन भवन तीन ऋतुओं के लिए मिले थे, यानी कि उस समय एयर कंडीशन उनके लिए उपलब्ध था, लेकिन आम लोगों के दुख को ही अनुभव करके उन्होंने गृह त्याग किया। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और यहाँ सारनाथ में आकर जब उन्होंने उपदेश दिया अपना, उस समय भी उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की ही बात कही, उन्होंने व्यक्तिगत के लिए नहीं। और बुद्ध के जो भी उपदेश थे वो व्यक्तिगत सुधार के लिए ही थे, व्यक्तिगत परिवर्तन जब होगा तो समाज अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने संघ तो बनाया लेकिन कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं उत्पन्न वो दी, जिसके तहत जैसे उसके पहले जो भी व्यवस्था चल रही थी समाज की, उसके विपरीत जाकर के उन्होंने कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं दी थी। उन्होंने इस दुख से मुक्ति का जो मार्ग बताया उसका गंतव्य था निर्वाण। निर्वाण क्या है, उसे बुद्ध घोष ने व्याकृत किया है विशुद्धि, विशुद्धि के रूप में उसे व्याकृत किया है, सब मल रहितं अत्यंत परिशुद्धं निब्बानं, कि सभी मलों से रहित
अत्यंत परिशुद्ध निर्वाण है। यह कोई स्थान विशेष नहीं था जहाँ कि हम पहुँच जाए और हमें सुख मिलने लगे, यह एक अवस्था विशेष थी। और वह अवस्था विशेष कुछ जो कार्य हैं, जो विशुद्धियाँ हैं, उनको जब हम पूर्ण करेंगे तभी वो अवस्था विशेष की प्राप्ति होगी। एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अगर हमें समुद्र पार करना है या समुद्र के उस किनारे पे जाना है या नदी के उस किनारे पे मुझे जाना है, अगर हम बहुत प्रयास करें कि वो किनारा उठा करके हम यहाँ ले आएँ और उस पर मैं आसीन हो जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए हमें एक कोई उपाय खोजना होगा, एक तरणी हो या जो भी आजकल के जो जहाज़ हैं या कुछ भी हो, जिससे कि हम उस सागर को, उस नदी को पार करके उस किनारे तक पहुंच सकते हैं। तो ये अवस्था जो है वो क्लेश विगमत्व की अवस्था है, और वहाँ जाने के लिए भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग का प्रज्ञापन किया था, और जिसकी प्राप्ति हमें शुद्ध आचरण, सम्यक अभ्यास और परिशुद्ध प्रज्ञा से ही मिल सकती है। बुद्ध ने जो यह मार्ग दिखलाया, जिस मार्ग का निर्देश किया, उसे उन्होंने सभी बुद्धों का शासन बतलाया कि ये हमारी ही बात नहीं है, हमारे पहले भी जितने बुद्ध हुए हैं उनका भी यही मत था। सब पापस्य कर्णम, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इसे कहा है कई लोगों ने कि सभी पापों का न करना इत्यादि। तो इस तरह से जो परिशुद्धि है जीवन की, एक व्यक्ति के जीवन की परिशुद्धि से ही हम उस विशुद्धि की अवस्था को पहुंच सकते हैं। बुद्ध एक योग्य, उत्तम और सम्यक शास्ता थे। उन्होंने किसी का बांह पकड़ करके या किसी को वर प्रदान करके मुक्त नहीं किया। उन्होंने मुक्ति का मार्ग तो बतलाया, लेकिन कहा कि इस पे चलना तुम्हारा काम है। मैं किसी को इस तरह से नहीं कि भाई तुम मुक्त हो जाओ, वरदान दे दिया वो मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं केवल मार्ग बताता हूँ, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। हैं, तो अक्खा तारो तथागतो, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग, कार्य तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से बुद्ध एक प्रेरक के रूप में सामने आते हैं। बुद्ध मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं हैं। अगर जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो मार्ग पे चलना सीख ले, और उस परम विशुद्धि की तरफ जो मार्ग जाता है आर्य अष्टांग मार्ग का, उसका पालन करते हुए वहाँ तक पहुँच सकता है। भगवान बुद्ध चूँकि सम्यक शास्ता थे, उन्होंने जो भी उपदेश दिया वो जो श्रोता है उसके योग्यता, उसकी रुचि कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है धारण करने की, इस दृष्टि से उन्होंने अपने उपदेश दिए। कहीं बहुत गंभीर है, कहीं बहुत सामान्य उपदेश दिए हैं, लेकिन उनके सभी उपदेशों का एक ही मंतव्य होता था, आत्म परिशुद्धि, व्यक्तिगत परिशुद्धि हो जाएगी तो उससे समाज अपने आप सुधर जाएगा। अगर हाँ, आगे हम उसको देखते हैं। तो कहीं पे भगवान ने कहा है कि सील के द्वारा ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है, कहीं कहते हैं विपस्सना के द्वारा, कहीं ध्यान और प्रज्ञा के द्वारा। इस तरह से कई तरह के मार्ग जहाँ जहाँ अवसर जैसा मिलता है वैसा वे बताते हैं, परंतु ये सारे मार्ग अष्टांग मार्ग में ही निहित हैं, उसी में आके सब समाहित हैं। संसार को उन्होंने एक, जैसा कि एक देव ने प्रश्न किया था, अनिमेष ने उसे उद्धृत किया था कि अंतो जटा बहिर्जटा, हमारे अंदर भी जंजाल है बाहर भी जंजाल है। वो जंजाल इस तरह का जैसे बांस होता है, बांस को देखेंगे कि एक बांस काट के आप उससे निकाल नहीं सकते, इतना वो जकड़ा होता है। तो उस तरह के जंजाल में ये हर कोई जकड़ा हुआ है। तो उसने देव ने पूछा कि अच्छा बताइए कि ये कौन इस जाल को काट सकता है। तो उसमें भगवान बुद्ध ने जो उसे उत्तर दिया है कि शील, शीले पतिष्ठा, शील पर प्रतिष्ठित होकर के नरो सपयों, सप्रज्ञ नर, जब तक वो सील का आचरण का पालन ही नहीं किया, मान लीजिए बुद्ध धर्म में शिक्षा ही नहीं लिया, तो सप्रज्ञ कैसे हो गया। इसको हम इस दृष्टि से देख सकते हैं कि प्रज्ञा चार प्रकार की होती है। जो अभी आप लोगों ने तीन प्रज्ञा को सुना, श्रुतमयी, चिंतामयी और भावनामयी प्रज्ञा,
लेकिन इन तीनों से पहले एक प्रज्ञा होती है जिसको हम कहते हैं उपपत्ति प्रतिलंबिका प्रज्ञा। ये जन्मजात होती है, जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत रोता है, उसको इतना ज्ञान होता है कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और जो बच्चा नहीं रोता है उसे डॉक्टर लोग उसके तलवे में ठोक ठोक करके उसे रुलाते हैं, और जो बच्चा जितनी ही देर से रोता है उतना ही वो मंदबुद्धि होता है। तो हमारे पास एक प्रज्ञा अपनी होती है, हमें सोचने का, हमें विवेक करने की क्षमता होती है। कोई पागल व्यक्ति को हम कहें कि इस मार्ग पर चलो तो शायद नहीं चलेगा, लेकिन जो हमारे अंदर जो उपपत्ति प्रतिलंबिका प्रज्ञा है उसके रहने से हम कुछ विवेक कर सकते हैं। और इसके बाद इसीलिए आर्य अष्टांग मार्ग में सम्मा दिट्ठि और सम्मा संकल्प, ये दो अंग प्रज्ञा के हैं, इसके बाद फिर शील के अंग शुरू किए गए हैं। तो ये जो जाल को काटने वाली बात है कि सीले पतिठाए नरो सपयो, सप्रज्ञ नर सील पर प्रतिष्ठित हो गए। तो सील जो है सभी का प्रतिष्ठान है, समाधि की भावना भी तभी संभव है जब आप सील का आचरण करेंगे। अगर आपने प्राणातिपात किया है और बैठ के समाधि लगा रहे हैं, आपको मन में डर है कि कहीं पुलिस आती न हो, आपका ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सील का आचरण सबसे पहले, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि सील पर प्रतिष्ठित होकर के ही सप्रज्ञ नर जो है समाधि की भावना कर सकता है और प्रज्ञा को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार सील की विशुद्धि अर्थात सील विशुद्धि, समाधि की विशुद्धि और चित्त की विशुद्धि जो प्रज्ञा की विशुद्धि है, तीन विशुद्धियां, ये तीनों इसी एक गाथा में बुद्ध ने संक्षेप में कहा है। इसमें जो सील विशुद्धि है, जो सील का आचरण है वही सील विशुद्धि है, जो चित्त विशुद्धि है वो समाधि की जो भावना है वो चित्त विशुद्धि है, जिससे हम अपने चित्त को विशुद्ध करते हैं। लेकिन प्रज्ञा विशुद्धि है, इसमें पांच और हैं, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ। तो इन ये जो सरणियाँ हैं, ये विशुद्धि तक पहुँचने की, निर्वाण तक पहुँचने की ये जो सात विशुद्धियाँ हैं या जो सील समाधि प्रज्ञा है, इन दोनों में सील ही सबसे पहले कही गई है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा है, इस पे बिना प्रतिष्ठित हुए कोई समाधि की भावना कर ही नहीं सकता है। तो सील क्या है? सील एक मानसिक अवस्था अथवा प्रेरणा है जो व्यक्ति के शारीरिक, वाचिक और मानसिक अकुशल कर्म अथवा व्यवहार को त्यागने के लिए प्रेरित करती है तथा शुद्ध आचरण के अभ्यास की ओर ले जाती है और उसे संपुष्ट करती है, जिससे समाधि भावित होती है, ध्यान भावित होता है। सील एक चिर नूतन गुण है, सार्वकालिक है, सर्वश्रेष्ठ गंध है। इसकी गंध चारों दिशाओं में फैलती है, हवा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य गंध तो हवा के विपरीत नहीं जाती है, जिधर हवा रहती है उधर को ही जाती है, परंतु इसकी गंध चारों तरफ फैलती है। तो सम्यक रूप से समाधान यानी कि प्रतिस्थापन करने तथा सम्यक रूप से अवधारण करने के अर्थ में शील कहा गया है, क्योंकि यह कायिक, वाचसिक, अकुशल कर्मों का सम्यक निरोध करती है, सम्यक दहन करती है तथा कुशल कर्मों का सम्यक प्रतिस्थापन करती है, इसलिए इसे शील कहा जा सकता है, कहा जाता है। और इसे हम सम्यक व्यायाम में जैसे देखते हैं कि जो अकुशल कर्म उत्पन्न हो गए हैं उनको विनष्ट करना, जो अकुशल कर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उन्हें उत्पन्न न होने देना, जो कुशल कर्म उत्पन्न हो गए हैं, जो कुशल कर्म उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको उत्पन्न करना, और जो उत्पन्न हो चुके हैं उन्हें वर्धित करना, बढ़ाना। तो यहाँ भी देखने में आ रहा है कि सील में भी उसी तरह का सम्यक व्यायाम है। सील और समाधि दोनों का कृत्य है समाधान, समाधान करना ही सील का भी कृत्य है और समाधि का भी कृत्य है, परंतु दोनों के समाधान कृत्य में अंतर है। समाधि का समाधान कृत्य क्या है कि चंचल जो चित्त होता है उसको पकड़ पकड़ करके एक आलंबन पर केंद्रित करना, उस पर उसे टिकाए रखना, ये समाधान, सम्यक आधान ही समाधान है। तो चित्त के को एक आलंबन पर टिकाने के लिए जो सम्यक प्रयत्न करता है वो समाधान समाधि का है।
लेकिन शील का समाधान कृत्य क्या है? कायिक और वाचिक कार्यों के विखराव को निरुद्ध करना। हम कोई ऐसा अकुशल कार्य न कर दें, उसे रोकने, उसे उसका समाधान करने के लिए शील है। शील के दो कृत्य हैं, एक है कर्म का बोध और उसका निष्पादन। दो, सत्वों को दोषपूर्ण कार्यों से रोकना, यह शील का कर्म बोध कृत्य है, तथा सत्व को परिशुद्ध कार्यों पर स्थापित करना, यह उसका कर्म निष्पादन कृत्य है। कंक्लूड कहें, अच्छा, एक बड़े मशहूर आचार्य हुए हैं, चंद्रकीर्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने धर्म की व्याख्या में कहा है कि धर्म के तीन लक्षण हैं। एक तो जो सामान्य लक्षण सब लोग जानते हैं, स्वलक्षण धारणा धर्म है, जो स्वलक्षण धारण करता है वो धर्म है। दूसरा उन्होंने लक्षण जो बताया है कि पांच गतिक क्या उसको बोलेंगे, जो अपाय गतियों में गिरने से बचाता है, पतित होने से बचाता है, वे हैं 10 कुशल कर्म। तो इस अर्थ में 10 कुशल कर्म जो है धर्म है, 10 कुशल कर्म जो कि शील हैं। तो तीसरा है कि पांच गतिक संसार में पतन से जो विधारण करता है, रोकता है, उसका अर्थ है निर्वाण। जब हम शील का पालन करते हैं तो ये कुगति गमन विधारणार्थेन एक जो अर्थ किया गया है कि कुगति गमन से रोकता है। तो गतियां पांच बताई गई हैं, नीचे से देखेंगे तो नरक है, प्रेत है, तिरस्थान है, मनुष्य और देवलोक। अगर हम देवलोक को सुंदर गति मान लें तो 4 को कह सकते हैं कुगति, या मनुष्य को भी उसमें जोड़ लें तो 3 कुगति हैं। तो उस गतियों में गिरने से जो बचाता है वो शील है। और फिर कह रहे हैं कि पांच गतिक, जो पांचों गतियां हैं उसमें भी गिरने से बचाता है, यानी कि देवलोक में भी उत्पत्ति को रोकता है, यानी कि निर्वाण को प्राप्त करवाता है, आवागमन से मुक्त करता है। तो ये शील का ये लक्षण है और इसे ही धर्म उन्होंने कहा है। और यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रोफेसर वांगचुक दोर्जे नेगी जी को, डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी को और अमरजीव लोचन जी को, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर लाल जी भाई, आपने इतना क्लियर कर दिया और मुझे अच्छा लगा कि जिन चीज़ों की भी चर्चा हो रही थी उसको बहुत ही आपने निष्कर्षता प्रदान की। इसके बाद मैं श्री वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि अगले 10 मिनट के अंदर ही, और मैं जानता हूं प्रवीण भाई साहब वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करेंगे, वो 10 मिनट से भी कम समय लेंगे, मुझे ऐसा आभास है, क्योंकि प्रवीणता तो मिनिमम टाइम में होती, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जब प्रोडक्शन होता है, दैट इज प्रोफिशिएंसी आर एफिशिएंसी। मिस्टर चेयरमैन प्रोफेसर हरिकेश सिंह, एमिनेंट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर कमल शील जी, प्रोफेसर एम के दास एंड ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रोफेसर वांगचुंग दोर्जे जी एंड चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेमिनार प्रोफेसर अमरजीत लोचन एंड मेनी एमिनेंट स्कॉलर्स एंड गेस्ट, सिंस माई प्रीडिसेसर हैज ओवर स्टेप्ड ऑन माई टाइम, देयरफॉर आई नो आई कैनॉट टॉक अबाउट थिंग्स विच आई हैव बीन असाइंड टू। Professor Lochan had asked me to talk about Buddhist art and the values it enshrines. I'll just give you a few questions which you can think over and conclude yourself. Now, we often talk in day-to-day life. We say, this is a beautiful work of art. This is art. We use art and work of art simultaneously and meaning the same thing, though it is not. We say beauty and beautiful. We use these words unknowing that it connotes different meanings. Now, art is a subjective state. Work of art is objectified
objectified through an art medium, skill, methodology. And this, if you know that a person has an intuition, an artist has an intuition, and he contemplates an idea. Those are the steps. And then he wants to represent it through signs and symbols. Similarly, in Buddhist art, we find that early artists, beginning from Mauryan art to the first century AD, they have represented Buddha through signs, like footprint, like umbrella, horse, monastery. Such signs, lotus, such signs they have used in profusion. They have not represented Buddha in person. But when we come to the Mahayana, in the time of Kanishka, Satvana, and Vakatakas, we find that Buddha is being represented in profusion. He is considered to be an embodiment of perfection. And he converts spiritual freedom. And he represents peace, bliss, and he is free of the filths. He is in a pure form. And it became a fashion with the artists. They were rendering several sculptures of Buddha, the painting of Buddha. The artists, they found that they can employ such signs like Abhay Mudra, Bhumi Asparsh Mudra, Vyakhyan Mudra. These techniques were employed to connote the profound person of the Buddha, the vast mind which he had, the mind of the philosopher, the mind of the scientist, the mind of the artist. He was all blended in one. Now here we find that an attempt has been made to show the unity of life. There are different elements and they conglomerate. And finally, the unity is achieved. So when we say a work of art, it is not necessary that beauty, total beauty lies in the work of art. It is a spectator who is capable of reaching to that heightened state of awareness, who is capable of raising himself to that level where he could conceive and feel the rasa. Rasa gets generated. Natya Shastra talks of the 8 permanent moods and 49 sanchari bhavas. So essentially artists employ vibhav, anubhav, these techniques to portray the expression on the face of the Buddha. And Buddha has been a favorite topic with the artists in India, with the artists in Southeast Asia, everywhere. And first century AD onwards, there is a competition among the artists to produce a figure of Buddha which would be most perfect than the other. Now, these are the things I wanted to talk about. I don't have much time and I will not overstep on anyone's time. So I would like to conclude that when you go to the museum and you see Buddha in the Abhay Mudra or Buddha in the Vyakhan Mudra or Buddha in the Preaching Mudra or Buddha in the Dharma Chakra Mudra, now these are all not one and same. It has some variation in it, but essentially it communicates the same thing. Indian art is moralistic, didactic, hedonistic, and it communicates a message. Ashva Ghosh, the person who wrote Sondanand Kavya, a great poet, he says, "I have conceived this Kavya not for catering to the needs of people who cater for sensual pleasures, but to help achieve people
the goal of salvation, the liberation. So art in India thinks of spiritual freedom, and Buddha is an embodiment of that. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन अमूल्य वचनों से हम सभी लाभान्वित हुए। और मैं सर, सबसे बड़ी हम लोग को उपलब्धि है कि सर इस संस्थान के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो सर पूरे संस्थान परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित है सर। अब अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं अपने परम गुरु और हम लोग जिनको पढ़ते गुनते हुए बड़े हुए हैं, हम लोग गांव से चले थे, कुछ आता नहीं था, लेकिन जब VHU में जब व्याख्यान होता था, सर का नाम सुनते ही हम लोग सीखने के लिए कि बोला कैसे जाता है, कैसे अपनी बात रखी जाती है। सर मैं आपको बड़े अभिनंदन के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। सर मैं संस्थान के कुलपति जी, कुल सचिव जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु हमारे अनुज भाई, प्रोफेसर कमलशील जी, प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी, भाई अमर जी, और जो हमारे साथ तीन पैनलिस्ट इस सेशन में थे, मुझे एक खुशी है कि मैंने थोड़ा राशनिंग किया टाइम का, और वो अनप्लीजेंट होता है क्योंकि डिलीवरेशन में हर व्यक्ति जब आता है एक अपनी प्रिपरेशन होती है, उसकी जो विड्थ होती है, ब्रेथ होता है बोलने का, क्वांटम ऑफ नॉलेज होता है, वो सब एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से इस सत्र के तीन पैनलिस्ट डॉक्टर रविशंकर जी, डॉक्टर प्रोफेसर लालजी भाई और प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश भाई, इन तीनों ने टाइम का जितना ध्यान रखा, आजकल महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं लेकिन महाकाल का अर्थबोध लोगों को नहीं मालूम है, समय बर्बाद करना। और आज के दुनिया का चिंतन दो ही है, देयर इज नो सच थिंग लाइक स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म इज देयर नंबर वन, उसी तरह से देयर इज नो टाइम, रादर टाइमलेसनेस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कंसेप्ट ऑफ सनातन, कालातीत गुणातीत। इसलिए जब राजीव अमरजीव भाई ये जो हम लोगों ने लिख दिया है, कैप्शन भी जो लिखा है, इट इज इट्सेल्फ नॉट इंक्लूसिव, हमने लिखा बुद्धिस्ट दर्शन, बौद्ध दर्शन या बौद्ध शैली लिखा, इंक्लूजन हमने अलग लिखा है। और बहुत बढ़िया आपने रविशंकर जी कहा, जिस सज्जन ने JNU में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जो क्या है ना, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी जवाहर हमको पता नहीं, तो वो JNU में जो सज्जन थे और जो सोशल साइंस के और जो UGC के चेयरपर्सन हुए, तो उन्होंने डिपार्टमेंट शुरू कर दिया और सारी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले सेंटर ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव स्टडीज, नो क्या सेंटर जब है, द मोस्ट इंक्लूसिव थिंग इज द सेंटर इट्सेल्फ, पॉइंट, द सेंट्रलिटी ऑफ द कॉस्मस इज ए पॉइंट, एंड पॉइंटलेसनेस इज द ग्रेटेस्ट फिलॉसफी, एंड दैट्स वाई फिलासफी का जो भाई जो जर्नल निकलता था, बंद हो गया लंदन से, उसका जर्नल का नाम ही था सबसे अच्छे जर्नल का माइंड, और माइंड में डॉक्टर सुनीता जी ने, जिनको सुनीत कह रहे थे, सुनीता जी ने BHU में एक दिन शिक्षा संकाय में बोला, मैं समझा ये कहाँ से इनको इन्होंने पढ़ लिया, वननेस और सेमनेस पर इनका लेक्चर था जो मैंने पहले उसमें बोला था, the whole metaphysical exercise is heralding towards oneness, being and nothingness, jab beingness mein hoga to point is the pointed thing, aur wahan hamesha convergence hai, there is no concept like diversity, identity jab badhengi, when we head towards god, towards optimism, there is always oneness। इसलिए जिन बातों को आपने कहा, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है जिसके तरफ डॉक्टर रविशंकर ने, सारे डिफरेंशियल आइडेंटिटीज को बताया जा रहा है, उनको एनलाइटन किया जा रहा है अनावश्यक, और पढ़ाया क्या जा रहा है, अब ऑल द सोशियोलॉजिस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड द अदर कंट्रीज आल्सो, दे आर इम्फेसाइजिंग ऑन
ethnic identity and ethnicity, which is a very divisive model and it is anti-inclusion. इसलिए पांच दोष जो हैं, valuelessness in education, anomy, disintegration, isolation and alienation. These are all because we make the prophecy of, we do the advocacy of diversity. Ultimately, we have to think about pan-Sanatan concept. And Buddha himself was the product of Sanatana. And all Buddhist Ashtang Yoga or Ashtang Mark, all are very resonant to each other. That's why we have to search resonance. Hame ekatva ka khojna hai. Aur ekatva ke khojne mein, main samajhta hoon ki aaj ke jo ab tak ke session huye hain, aur jo valedictory session hone ja raha hai, केवल एक ही व्यक्ति इस पूरे सभागार में है. मैं अगर तिब्बती शब्दों का अर्थ, अरे तिब्बती टाइटल का नहीं जानता हूँ नेगी साहब, तो एक आदमी तो हमारे पास है ही जो संजोग से भारत की सनातन परंपरा में जो कमल है हृदय में, जो सात हमारे कुंडलिनी जागरण के चक्र हैं, सेवन सिथ्स ऑफ एनलाइटनमेंट, तो हमारे पास तो लोटस भी हैं और एक ही आदमी है जिसके पास शील है. तो अब तो अगली अध्यक्षता कमलशील जी करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आ जाएंगी. और शील को अगर समझ लिया है, जो भाई प्रवीण जी ने भी कहा और जो भाई लाल जी ने भी कहा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा. संजोग से उसको आपने छेड़ दिया है. और सवेरे अभी बीच में अमरजीव भाई ने भी कहा था, दो किताब और पढ़ने के लिए मित्रों से कहूँगा जो नहीं पढ़े होंगे. तावा फिजिक्स तो कह लेते हैं, टर्निंग पॉइंट कह लेते हैं, बाद की जो किताब है जो आपसे भी संबंधित है सुनीता जी, द वे ऑफ लाइफ एक किताब है फ्रिजब कैपरा की, जो फिजिसिस्ट है, जो पार्टिकल फिजिसिस्ट का, जो वेव थियरी की असलियत को कहता है, स्ट्रक्चर को नहीं कहता है. और एक किताब का नाम है द हिडन कनेक्शंस, ये उसकी किताब है फ्रिजब कैपरा की, जो पार्टिकल फिजिक्स का दुनिया. और जब हमने सवेरे कहा था वो जंगल वाली बात, तो जंगल वाली बात में पेड़ भी रोता है. आपने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है हाथियों वाला. और अभी साथ हमारे चीता मंगाए गए थे और मध्य प्रदेश में राजस्थान के उसमें मर गए हैं. मारने का, इनहिलेशन का की प्रैक्टिस और साइनर्जी की एडवोकेसी, दीज आर टिपिकल कंट्रडिक्शन. दैट्स वाई मार्कंडेय पुराण से मैं चार पंक्तियों को लेकर के, मैडम शर्मा आपसे अनुमति लेते हुए, ब्रज वाले से मार्कंडेय पुराण की चार पंक्तियाँ हैं जिनको पंडित जी लोग दुर्गा सप्तशती में नहीं पढ़ते हैं लोग, और वही सारा मार्कंडेय पुराण का स्रोत है. ओम ऐं मंगलाचरण से हुआ था ना रंजन भाई, तो आप तो करते हैं ना दुर्गा सप्तशती, लेकिन आप भी छोड़ देते हैं. ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा. इफ वी हैव टू एलिवेट आवर सेल्फ अप दीपो भव. और प्रद्युम्न भाई तो द्वीप से भी चले थे, तो द्वीप से तो चले गए, लेकिन अप दीपो भव, एनलाइटन एंड प्योरिफाई वन ओन सेल्फ, देन नेक्स्ट जब अपना ये पवित्र हो गया तो आप किसको पवित्र करें. ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा. तब अपने को पवित्र कर लिया आत्म तत्व विद्या तत्व, तब तीसरा, तब सोमवार को रुकिएगा अमरजी भाई रविशंकर के साथ और दर्शन करके जाइएगा. शिव का मतलब वही जो नहीं, जो अर्थ होता है उसको लोग समझते हैं. शिव कुछ नहीं है, पत्थर नहीं है शिव. शिव एक चेतना है, और वह चेतना कि मैं नहीं पहले आप, परहित सरिस धर्म नहीं, जिसको अंग्रेजी में अल्ट्रुइज्म किया कहा गया. तो मैं ये कह रहा हूँ तीसरा जो है, पहला ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामी नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, ओम क्लिंग शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा. ये जो तीनों पवित्र हो गए, तो ओम ऐं ह्रीं क्लिंग सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा. सर्व तत्व, आत्म तत्व को सर्व तत्व से जोड़ देना, यही इंक्लूजन है, यही यूनिफिकेशन है, यही इंटीग्रेशन है, और यही होलिज्म है. इसी के लिए प्रत्युत पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, नॉलेज एंड नॉलेज टू द लेवल ऑफ विजडम, नॉट नॉलेज टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, विजडम इज द प्रज्ञा. इसलिए जो शब्द आपने कहे तीन, कि समुत्पाद जो प्रज्ञा आ गई तो फिर सब कुछ हो गया.
यह कोई बाहर जो यहाँ आज नहीं आया होगा 365 दिन में जो नहीं प्राप्त कर सकता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हायर टिबेटन स्टडीज ने आज जो 6 घंटे या 8 घंटे का यह आयोजन कर दिया है, इसमें और कोई नहीं भगवान बुद्ध की प्रतिमा और ये जलते हुए दीप इस बात के साक्षी हैं कि आज हम लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे से लेट था, इसको मैंने समेट के अपने मित्रों को कष्ट दे करके जो 4 बजे से शुरू होने वाला था और 15 मिनट, तो 1 घंटे में बहुत कुछ हम लोगों ने बचाया, 1 घंटे लेट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बैठे रहें सर, बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए निवेदन है कि आप सर बैठे रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं बताऊंगा कि आपने क्या कहा, बहुत कुछ कह दिया, सबने सुन भी लिया। इस कड़ी में सर आप लोगों को स्वादिपा की तरफ से किट भेंट की जानी है, जो तीनों हमारे मुख्य वक्ता हैं, तो मैं डॉक्टर हिमांशु सर से निवेदन करूंगा सर कि आप आएँ। एक सेकंड सुशील, बस एक सेकंड। वो मिश्रा जी हैं जो सवाल पूछे थे, मिश्रा जी वो चले गए, खुद चले गए, कॉन्फ्लिक्ट पर, वो सेकुलर पर सवाल पूछे थे अनिमेश से, अनिमेश जी हमारे बीच में है, वो जहाँ गलतफहमी है वो मैंने संकेत कर दिया, उनका सवाल सेकुलर शब्द करने से था। सेकुलर और बहुत सारे सेकुलर से लोग घबराते हैं, सेकुलर का ये मतलब नहीं, जो वहाँ था और वो तो जिस विषय के थे उसका मैं संदर्भ भी देता, सेबाइन की किताब में लिखा हुआ है, तो पहले कैथोलिसिटी माने सुसभ्य, तो पहले जो क्रिश्चियन होते थे तो अपने उसको सब कैथोलिक कहते थे, थोड़ा सा रीजन जब जान कैल्विन वगैरह से आया, क्वेश्चन किया, तब प्रोटेस्टेंट हुए, तो कैथोलिसिटी और प्रोटेस्टेंट के बीच के झगड़े को डिगर्स और लेवलर्स का झगड़ा कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की किताब में, उसी को बचाने के लिए सेकुलरिज्म का एटीट्यूड आया। लेकिन सेकुलरिज्म हमारे यहाँ अपीजमेंट का सिनोनिम बन गया दुर्भाग्य से, जिससे सेकुलर वर्ल्ड से परहेज है, परंतु निरपेक्षता सनातन धर्म और बौद्ध या जैन का भी कैवल्य निर्वाण और मोक्ष में वो अंतर नहीं है। मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि कालातीत गुणातीत ये अतीत है, और जब यह हो जाएंगे तो केवल मानवेतर और मानवोत्तर अस्मिता नहीं है, एक जीव की जो सबसे सूक्ष्म है, इसलिए आज सारा का सारा जीव ही नहीं निर्जीव के बीच भी आइडेंटिफिकेशन का दर्शन है। इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रश्न का यही उत्तर था, वो चले गए तो कोई बात नहीं, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान बुद्ध ने ही ये कहा था, श्रावस्ती में कहा था, इतने प्रश्न नहीं पूछने की जरूरत है, और जिस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं हो, तो रंजन भाई भगवान बुद्ध ने कहा था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए भी नहीं जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं डॉक्टर हिमांशु पांडे सर, उप कुल सचिव केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान से निवेदन करूँगा कि सर आप स्वरिपा द्वारा किट भेंट करके हमारे अतिथियों को का सम्मान करें। और इसी बीच मैं जब तक धन्यवाद ना हो तो यह परंपरा अधूरी रहेगी, तो मैं श्री टीआर सासनी सर को निवेदित करता हूं, प्रार्थना करता हूं कृपया आएं और धन्यवाद ज्ञापन कर अतिथियों के प्रति अपना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। परम श्रद्धेय भिक्षु संघ, परम आदरणीय कुलपति महोदय, मंचस्थ सभाध्यक्ष शिक्षाविद आदरणीय प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, इस सत्र के सम्मानित मुख्य वक्तागण प्रोफेसर लाल जी, प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश जी तथा श्री रविशंकर जी, सभागार में उपस्थित ICSS के महामंत्री एवं बोर्ड मनीषी प्रोफेसर अमरजीत लोचन जी, आदरणीय प्रोफेसर कमलशील जी, प्रोफेसर पेमा तंजीन जी, प्रोफेसर अनिमेश जी एवं अन्य सभी सम्मानित विद्वद्वृंद, संस्थान के कुल सचिव महोदय, अन्य अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं अन्य श्रोतागण एवं प्रिय छात्र बंधु, मैं सर्वप्रथम ब्रिज प्रोफेसर शिक्षाविद आदरणीय हरिकेश सिंह जी को इस सत्र की अध्यक्षता का दायित्व निर्वहन करने एवं विद्वतापूर्ण अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुख्य वक्ताओं के क्रम में सर्वप्रथम विद्वान वक्ता श्री रविशंकर जी का भी मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने इस संगोष्ठी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सारगर्भित एवं विद्वतापूर्ण विचार प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में प्रोफेसर लालजी शावक, जो पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हैं, आपने इस संगोष्ठी में शील विशुद्धि विषयक शास्त्र सम्मत एवं शोधपूर्ण आलेख प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस सत्र के अंतिम विद्वान वक्ता
इतिहासविद आदरणीय प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश जी को भी संगोष्ठी विषय गंभीर एवं ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस सत्र में आप तीनों विद्वानों ने अपने आलेख के माध्यम से जो गंभीर एवं महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं उससे निस्संदेह इस संगोष्ठी को एक नई दिशा मिलेगी। मैं इस सत्र की परिचर्चा में सम्मिलित समस्त प्रतिभागी विद्वानों एवं शोध छात्रों को भी आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस संगोष्ठी में सम्मिलित समस्त अतिथिगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं अन्य समस्त श्रोता बंधुओं को भी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में इस सत्र के संचालक डॉक्टर सुशील कुमार जी को भी सुव्यवस्थित और समयबद्ध रूप से संगोष्ठी को संचालित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद।